परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू करने के ईरानी ऐलान के बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई। परमाणु समझौते से अलग होने के ईरान के ऐलान के बाद दुनिया के कई बड़े नेता इस पर चिंता भी जता चुके हैं। तो वहीं यूरोपीय संघ परमाणु समझौते को बचाने की कोशिशों में तेजी से जुटा है। ब्रिटेन ने चेताया है कि समझौते को बचाने के मौके कम होते जा रहे हैं। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सोमवार को कहा कि मध्य पूर्व में तनाव कम करने के लिए वो इस हफ्ते ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करेंगे। गौर हो कि अमेरिका और ईरान में परमाणु समझौते पर चल रहे तनाव के बीच यूरोपीय संघ पर दबाव बढ़ाते हुए ईरान ने सोमवार को कहा, अमेरिकी प्रतिबंधों से ईरान को राहत दिलाने के लिए यूरोपीय संघ ठोस उपाय करे। ऐसा नहीं होने पर ईरान 2015 के समझौते से पहले के अपने परमाणु कार्यक्रम को शुरू कर देगा। ईरान की इस धमकी के बाद ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेरेमी हंट ने कहा, समझौता अभी खत्म नहीं हुआ है, ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने में अभी वक्त लगेगा, समझौते को बनाए रखने के लिए अभी भी कुछ उम्मीद बची है। गौर हो कि इससे पहले ईरान ने नरम रुख दिखाते हुए अमेरिका से बातचीत को भी तैयार हो गया था, लेकिन साथ ही ईरान ने शर्त भी रख दी थी। ईरान ने साफ कहा था कि हम अमेरिका से बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन पहले प्रतिबंध हटाए जाए और अमेरिका धौंस दिखाना बंद करे।